जय हिंद, नमस्कार। 7 दिन पहले तक पुरानी पेंडिंग भर्ती मामला और अग्निपथ योजना को लेकर कई बड़े खुलासे करने वाली सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब बहुत चर्चाओं में थी, लेकिन अब यह दोनों ही मामले मानो कहीं दब से गए हैं। पुरानी पेंडिंग भर्ती मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से युवाओं की मुलाकात के बाद उनकी ये आखिरी आस, आखिरी उम्मीद फिर से जिंदा जरूर हो गई थी, लेकिन अब यह मुद्दा एक बार फिर से कहीं गुम सा होता नजर आ रहा है। जबकि राहुल गांधी ने तो पीड़ित युवाओं से मुलाकात के वक्त ही साफ कह दिया था कि जितने युवाओं की भर्तियों को सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर रद्द किया है, अगर उन युवाओं में से थोड़े युवा भी एकजुट हो जाते हैं, थोड़े युवा भी संगठित हो जाएं, तो सरकार को युवाओं की मांगे हर हाल में माननी पड़ेंगी। इसके बाद 2 दिन तक युवाओं में एक ऐसा माहौल जरूर देखने को मिला कि शायद पीड़ित युवा अब अपने हकों के लिए जाग गए हैं, वो जरूर एक बार इसके लिए आगे आएंगे, जरूर अपनी मांगों को लेकर सरकार से अपनी मांग रखेंगे, इसके लिए जरूर आवाज उठाएंगे। लेकिन अभी भी उतने युवाओं का समर्थन शायद इस मुद्दे पर नहीं मिल पा रहा है जितने युवाओं का मिलना चाहिए था। हालांकि जो युवाओं का दल पैदल यात्रा करके बिहार से दिल्ली पहुंचा था, उसमें शामिल पीड़ित युवा अभी भी यही प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक युवाओं को जागरूक करके उन्हें अपने इस सत्याग्रह मामले में शामिल किया जाए और फिर सभी एकजुट होकर एक साथ मिलकर सरकार से अपने लिए मांग करें। दूसरी ओर सेना प्रमुख रहे जनरल एमएम नरवणे की किताब स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जिस तरह बीते कुछ दिनों बहुत चर्चाओं में थी, अब उसका शोर भी कहीं शांत होता सा नजर आ रहा है। हालांकि जनरल एमएम नरवणे की किताब को लेकर अभी अपडेट यह है कि इस किताब को फिलहाल सेना के पास में भेजा गया है, यानी सेना इस किताब को पूरी तरह से पढ़ेगी और इसके बाद में इसका रिव्यू कर, इसकी समीक्षा करके सरकार को बताएगी और फिर इसके बाद अगर इस किताब को छपने और पब्लिश होने की परमिशन सरकार से मिलती है तब यह किताब हम सबके सामने आ पाएगी। या फिर यह भी हो सकता है कि इस किताब में से कुछ अंश को हटा दिया जाए, यानी इस किताब को पब्लिश करने के लिए कहा जाए कि इसमें से कुछ चीजें हैं उनको हटा दिया जाए और उसके बाद पब्लिश कर दिया जाए, तो ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस किताब को जिस पब्लिश के पास में छपने के लिए भेजा गया है उसे यह कहा गया है कि सरकार की परमिशन मिलने तक आप इस किताब की ना तो कोई सॉफ्ट कॉपी और ना ही इसके कोई अंश बाहर जाने चाहिए, यानी इस किताब के बारे में अब कुछ भी किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए जब तक इसको लेकर सरकार की परमिशन नहीं मिल जाए। क्योंकि इस किताब में एमएम नरवणे ने चीन और भारत के बीच हुई झड़प मामले को भी यहां पर लिखा है, जिसमें नरवणे ने बताया है कि जिस वक्त चीन के टैंक भारत की ओर बढ़ रहे थे उस वक्त सेना प्रमुख रहे जनरल एमएम नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस पूरे हालातों के बारे में उनको बताया था, पूरी स्थिति से उनको अवगत कराया था, जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा था कि वो आधे घंटे बाद यानी 10:30 बजे आपको कॉल करेंगे। और इसके बाद रक्षा मंत्री ने उन्हें फोन भी किया और उन्हें कहा कि उनकी प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बात हो गई है और उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला सेना का है, इसमें फैसला सेना के ऊपर ही है। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख को कहा कि स्थिति के अनुसार आपको जो उचित लगे आप वो फैसला लें, यानी युद्ध के हालातों में पूरा का पूरा फैसला सेना प्रमुख के कंधों पर छोड़ दिया गया। इस किताब में अग्निपथ योजना और भारत चीन के बीच हुई झड़प के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन और क्या क्या इसके बारे में लिखा गया यह तो तभी पता चल सकेगा जब यह किताब छपकर पब्लिश होकर हम सभी के सामने आएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।